हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। प्यारे बंधु, मैं आप लोगों को साझेदारी पढ़ा रहा हूँ और साझेदारी का लास्ट टॉपिक आज है आप लोग का, जो मैंने बताया था कि मिसलेनियस पढ़ेंगे हम लोग। तो हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जैसे लिखा हुआ है आप लोगों का कि तीन साझेदार है, ए बी और सी एक व्यापार आरंभ करता है। ठीक, पहले तो ये दिमाग में आना कि व्यापार में तीन साझेदार है, कौन कौन है? ए बी और सी है। ए को प्रबंधक तथा बी को सहायक प्रबंधक के रूप में कार्य करने के लिए लाभ का 10% और 5% मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि जो ए बी सी पार्टनर जरूर है, ए और बी उसमें अलग पोस्ट के साथ भी एक प्रबंधक एक सहायक प्रबंधक है। इसका मतलब इसको कहना ये है ए और बी को कि जितना लाभ होगा उसमें 10% और 5% पहले हम ले लेंगे किसके लिए? तो प्रबंधक सहायक प्रबंधक के लिए, और शेष लाभ को उसकी पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। जनरली समझना मेरा बात, क्या कहना चाह रहा है कि ए बी और सी पार्टनर है, लेकिन ए पार्टनर के साथ साथ क्या है कि ए प्रबंधक और बी सहायक प्रबंधक है, जो जितना लाभ होगा उसका 10% और 5% पहले ले लेगा। ठीक, उसके बाद जो शेष जो लाभ बच जाएगा वो पूंजी के अनुपात में डिवाइड कर लेगा, बांट लेगा। अब यहां पर देखो, पहले समझना कि इसको 10% जो ये मिला है वो क्या किसके लिए मिला है? प्रबंधक है, देखभाल कर रहा है, जिसके कारण मिला है। बी को 5% किस लिए मिला है? तो एक सहायक प्रबंधक इसके लिए मिला है। तो ये चीज पूंजी से उसको नहीं मिला, ये आपको जो मतलब वर्क किया, जो काम किया प्रबंधक और सहायक प्रबंधक के रूप में, उसमें 10% और 5% पहले ले लिया। अब देखो, शेष लाभ को अपनी पूंजी के अनुपात में बांट लिया, तथा व्यापार में ए और बी, ए जो है ना कितना पूंजी लगाया? 7 लाख लगाया। ठीक, 7 लाख लगाया। बी भी पूंजी लगाया कितना? 6 लाख लगा दिया। पूरा अच्छे से समझना, कुछ नहीं इसमें करा। यदि बी को कुल लाभ 35% मिलता है तो सी की पूंजी क्या है? देखो, तो उनको सी की पूंजी मांग रहा है। समझना बात को मेरा। सबसे पहले तो आप ए चीज समझ रहे हो कि ए बी सी एक व्यापार आरंभ करता है, जिसमें ए और बी को प्रबंधक और सहायक प्रबंधक के रूप में 10% और 5% अलग से लाभ मिल जाता है। ये 10% जो 5% लिखे वो पूंजी का लाभ नहीं है, वो काम किया उस व्यापार में जिसका पूंजी लाभ है। अब ये चीज समझ में, लास्ट में एक कंडीशन क्लियर किया कि यदि बी को कुल लाभ का 35% मिलना चाहिए। प्यारे बंधु, मैं बताऊं कि बी को 35% कुल लाभ होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि देखो, यह व्यक्ति बी जो अपने घर में गया और बोला कि देखो भाई, हमको 35 रुपया का टोटल लाभ हुआ, टोटल लाभ। तो घर वाला पूछा भाई कि 35 रुपया तुमको मिला कैसे? तो वो कहा कि देखो भाई, हम 5% जो सहायक प्रबंधक है ना, तो 5 रुपया जो हमको मिला है वो सहायक प्रबंधक के रूप में मिला लाभ, लेकिन 35 रुपया होने के कारण 30% उसको और लाभ मिला। तो 30% और लाभ मिलने का मतलब वो तुरंत दिमाग लगा दिया होगा कि 5 रुपया जो मेरा लाभ हुआ वो देखभाल करने के लिए मिला, लेकिन 30-35% इसको टोटल लाभ हुआ। इसका मतलब है कि 30% जो लाभ होगा वो किसके अनुसार मिलेगा? उसको पूंजी के अनुसार मिलेगा। तो तुम सोचो बंधु कि अगर 30% बराबर 6 लाख हो रहा होगा, यानी कि कहने का मतलब हुआ कि 6 लाख का पूंजी बराबर कितना लाभ हुआ? 30%, तुम सोचो साइड में लिखते हैं कि 30% बराबर अगर 6 लाख रुपया मिलता होगा, ठीक, यानी आप कह सकते हो कि 1 पर 30% बराबर अगर मान लिया जाए कि आपका 6 लाख हो रहा है, तो आप बताओ कि 1% यानी कि कितना हो जाएगा? 6 लाख बराबर हम लिख सकते हैं 30%, तो 1 लाख बराबर कितना हो जाएगा? 5% लाभ मिल रहा होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ, डायरेक्टली समझो कि 35% इसका जब लाभ हुआ होगा तो 5 रुपया तो उसका लाभ देखभाल के लिए, तो 30 रुपया का लाभ जो उसको मिला होगा किससे मिला होगा? तो पूंजी पर मिला होगा। यानी आप कह सकते हो कि 30% बराबर 6 लाख भी बोल सकते हैं, या 6 लाख का अगर पूंजी देता है व्यापार में तो 30 रुपया का लाभ होता है, यानी 30% होता है। तो 1 लाख बराबर कितना मिलता होगा? 5%।
यानी कि यहाँ पर ये साबित कर दिया कि देखो अगर तुम 1 लाख की पूंजी आप लगाते हो ना तो तुमको 5% लाभ मिलेगा पूंजी के अनुसार। तो ये भी कहता है कि देखो भाई तो ये तो 10% जो इसको जो मिला वो तो लाभ आपका प्रबंधक के रूप में मिला है, लेकिन ये भी 7 लाख की पूंजी लगाया है तो आप बताओ कि 1 लाख बराबर 5% तो 7 लाख बराबर 35% तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यानी इसको 35% और लाभ मिलेगा। अब बाकी जो पैसा का जो लाभ मिलेगा वो किसको मिलेगा? सी को। तो सोचो बंधु, इसको 45% मिल गया, इसको 35% मिल गया, तो 45-35 तो 80 खत्म हो गया, तो बाकी कितना परसेंट इसको मिला होगा लाभ बताओ? 20%। ये जो 20% जो सी को मिला होगा वो किसके लिए मिला होगा? सिर्फ पूंजी के लिए लाभ मिला होगा, क्योंकि तो कुछ न सहायक प्रबंधक है न प्रबंधक कुछ तो ऐसा है नहीं। तो कह रहा है कि सी कितना पूंजी लगाया, तो सोचो बंधु कि 1 लाख बराबर 5% अगर हो रहा है तो 20% का अगर लाभ कमाया है तो 5% बराबर 1 लाख, तो 20% बराबर कई लाख कितना होगा? 4 लाख। यानी उत्तर जो आपका होगा कितना हो जाएगा? 4 लाख। प्यारे बंधु बहुत अच्छे से समझ में आ गया, कुछ ऐसा नहीं करना है, क्योंकि 10% इसको प्रबंधक है, 5% सहायक प्रबंधक के लिए मिला है। लेकिन लास्ट में ये सबसे भारी कंडीशन ये दे, इसी पर क्वेश्चन हम लोग को टूटा कि बी को अंतिम जब पूरा देखा तो उसको कितना परसेंट का लाभ हुआ? 35% का हुआ। तो 30% 35% लाभ होने का मतलब 30% उसको और लाभ हुआ हो। तो सोचा कि 30% हमको लाभ हुआ किस पे? तो पूंजी पर उसका लाभ हुआ होगा। ठीक, तो पूंजी पर लाभ करा दिए। तो यहां से पता चला कि 30% बराबर 6 लाख, यानी 6 लाख की पूंजी पर 30% का लाभ, तो 1% बराबर कितना? 1 लाख बराबर 5%, ये भी तो 7 लाख पूंजी लगाते, इसको भी तो 35% मिलना चाहिए पूंजी के अनुसार। तो 45% इसको मिल गया, 35% इसको मिल गया, तो 80% खत्म हो गया, बाकी बचा 20%। 20% सी को लाभ होगा और 5% बराबर 1 लाख, तो 20% बराबर कितना? 4 लाख। समझ में बात आया? तो हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर चले। बढ़िया से देखना बंधु, बढ़िया से समझना, एक बार दो बार रिपीट करके देखना। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। अगला देखो क्वेश्चन बंधु, ए बी सी एक व्यापार में क्रमशः 12,000, 15,000 और 18,000 रुपया निवेश करता है। देखो पहले समझना बात को कि ए है, बी है और सी है, साझेदार है, कितना कितना रुपया लगाया? 12,000 रुपया लगाया, 15,000 रुपया लगाया और कितना लगाया? 18,000 रुपया लगाया। ठीक, निवेश करता है। देखो तो आप इसको काट भी सकते हो, चूंकि पूंजी का अनुपात है, आप काट भी सकते हैं, 3 से भी काटो, 3 चौ 12, 3 5 15, 3 6 18, कितना तक तो सही, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बात यहाँ पे ये आया कि व्यापार का प्रबंध देखने के लिए, मतलब कि उसको देखभाल करने के लिए किसको लिया? ए को। ए वार्षिक लाभ का क्या है? वार्षिक लाभ का 25% दिया जाता है। यानी वो कंडीशन ए लगाया कि देखो भाई अगर हम तुम्हारा व्यापार अगर देखभाल करेंगे ना तो जितना लाभ होगा उसका 25% लाभ हमको स्पेशल मिलना चाहिए। और कह रहा है कि एबीसी के अंत में उसको अनुपात जो बचा पैसा, शेष लाभ जो उसको बचा वो पूंजी के अनुपात में बांट दिया। यदि वर्ष के अंत में एबीसी को मिलने वाली राशि जो है 1,000 रुपया कम है तो बात उस वर्ष लाभ क्या? तो थोड़ा सा बात यहाँ पे ए आया कि सर 25% वो लाभ मांग रहा है, तो हम लाभ उसको है ही नहीं, इसमें कहीं लाभ है जो उसको हम 25% देंगे? तो हम मानेंगे कि माना कि कुल लाभ कै रुपया है? 100 रुपया। ठीक है, परसेंटेज तो 100 मान सकते। ए देखभाल करने के लिए 25% ले लिया, इसका मतलब 25 रुपया तो पहले निकाल लिया, अशेष जो लाभ बचा वो पूंजी के अनुपात में क्या कर दिया? बांट दिया। तो 25 रुपया जब 100 रुपया हम निकाले तो शेष कितना बचा होगा? 75 रुपया। वो पूंजी के अनुपात में बांटा तो 6 5 11 4 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अगर मान लो कि ए निकालना है तो कैसे गुना करोगे? 4 से। ठीक था, अगर बी निकालना है तो आप कितना करोगे? 75/15 और गुना में कितना करोगे? 5। अगर हमको सी निकालना होगा तो 75/15 और गुना में कितना करेंगे? 6। अब तुम सोचो कि 520 रुपया का लाभ हुआ किसको? ए को। किसके लिए हुआ? पूंजी पर लाभ हुआ। ये कितना हो जाएगा बताओ? 25 रुपया का लाभ हुआ किसको? स्पेशल बी को। 38 रुपया का जो लाभ हुआ वो किसको हुआ? सी को।
अब यहां तक तो निकल गया, लेकिन ए का लाभ 20 रुपया हुआ है? नहीं, क्योंकि ए का जो लाभ पूंजी पर 20 रुपया हुआ, लेकिन 25 रुपया तो अब पहले भी तो लिया था देखभाल करने के लिए। यानी ए के पास दिमाग में आ गया कि देखो भाई, हम इस व्यापार में 45 रुपया का हम काम कर दी, और ये कितना, बी कितना रुपया किया, 25 रुपया, सी कितना किया, 30 का। अब तुम सोचो यहां पर बात करो निश्चित राशि, करा कि ए को मिलने वाली राशि बी तथा सी को मिलने वाली राशि से 1,000 रुपया क्या है कम? देखो 1,000 रुपया जो कम बताया वो किसके किसके साथ? ए को मिलने वाली राशि कितना, 45, बी तथा सी के मिलने वाली राशि मतलब कितना, 55। ये 55 होगा कि नहीं होगा, जोड़ जा रहे हैं। तो कितना हमको अंतर मिला, ए को बी तथा सी को मिलने वाली राशि में 1,000 रुपया कम है, तो ए को 45, बी और सी को मिलाते हैं तो 55, तो कितना कम मिलता है, 10 का। तो कम का तुलना कम से, पूछ रहा उस वर्ष लाभ क्या है, तो कुल लाभ हम कितना माने थे, 100। यानी आपका कुल जो लाभ होगा आपका कितना होगा, 10,000 रुपया का लाभ होगा। तो एकदम बहुत छोटा क्वेश्चन, इतना लंबा चौड़ा जो लगा बहुत आसान क्वेश्चन था। डायरेक्टली हमको ये समझना था कि देखो भाई, एबीसी पार्टनर तो जरूर है, लेकिन एक जो प्रबंध है देखने के लिए उसको रखा गया, तो जितना वो लाभ हुआ उसको 25% पहले निकाला। प्रश्न में लाभ ना होने के कारण हम क्या किए कि मान लेंगे कि पूरा लाभ कितना होगा, 100, क्योंकि परसेंटेज था। तो 100 रुपया में 25 रुपया लाभ ए अकेले पहले निकाल लिया, उसके बाद ये कहना चाहता कि जो शेष जो लाभ जो बचा वो पूंजी के अनुपात मिलेगा। तो शेष लाभ बताओ, 100 रुपया में 25 तो ले लिया, तो 75 पूंजी के अनुपात में बांटा तो 4, 5, 6 के रेशियो में बांट देगा, तो ए को 20 रुपया मिला, बी को 25 रुपया मिला, सी को कितना मिला, 30 रुपया मिला। लेकिन यहाँ पे ए कहना चाह रहा था कि टोटल उसको 45 होगा, चूंकि 25 रुपया और लाभ था उसको, तो यहाँ पर अंतर करेंगे यानी कुल लाभ कितना हो जाएगा आपका, 10,000 रुपया का लाभ होगा। अच्छे से समझ में आ गया, कोई परेशानी नहीं हुई होगी। हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना? तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला देखो, हम लोग चार साझेदारों की कुल पूंजी 4 लाख है, इसमें से आधी पूंजी ए ने लगाई। देखो पहले तो समझो कि चार साझेदार है कौन कौन, ए बी सी और डी, चार साझेदार है, जिसमें करा कि चार साझेदारों की कुल पूंजी 4 लाख, यानी चारों साझेदारों मिलाकर 4 लाख का पूंजी लगाया, इसमें से आधी पूंजी ए लगाया। तो बताओ 4 लाख है, तो आधा जब ए ही लगा दिया तो 2 लाख तो एकदम क्लियर लगा दिया हो गई। ठीक, आगे बढ़ते, ए का होगा तो शेष आधा बी और सी ने मिलकर बराबर बराबर लगाया, तो बताओ जो शेष जो बचा वो 2 लाख बचा। बी सी बराबर बराबर लगाया, इसका मतलब है कि 1 लाख जो है ना बी लगाया होगा, और 1 लाख कौन लगाया होगा, सी लगाया होगा। देखो डी पूंजी नहीं लगाया है, समझ रहे बात को, डी पूंजी नहीं लगाया लेकिन साझेदार है। अब देखो यहां पे कहना ए चाह रहा है कि उन्होंने सहमत, उन्होंने डी को व्यापार का प्रबंधक बना, साझेदार के रूप में 4 गो तो है, लेकिन पूंजी जो लगाने वाला है ए बी और सी है, लेकिन डी को व्यापार का प्रबंधक बनाया तथा सहमति किया कि पहले डी को लाभ का 10% मिलेगा। यानी कहना ए है कि देखो बंधु, डी को लाभ का कितना परसेंट, 10%, तथा बी और सी को में से प्रत्येक को कुल लाभ का 5% दिया जाएगा, और शेष लाभ को पूंजी बांटा जाएगा। पहले एक चीज सोचो, पहले इसको तो आप काट ही सकते हो, काट दी। डी को क्या कहना चाह रहा है कि डी कहता है, डी को सहमति बनाया सब लोग मिलके कि जितना लाभ होगा उसको 10% स्पेशल डी को दिया जाएगा। लास्ट में लिख दिया है कि 12,600 रुपया के लाभ में। तो तुम सोचो कि 12,600 रुपया, 10% तो पहले यही ले लेगा, तो कितना रुपया ले लेगा बताओ, 1,260 रुपया ए निकाल, डी निकाल लिया। बी और सी भी कह रहा है कि प्रत्येक को कुल लाभ का 5% दिया जाएगा, बी और सी को भी, यानी 12,600 में 5% इसको मिलेगा, तो बताओ कितना हो जाएगा, 630 हो जाएगा। सी भी कहता है कि देखो भाई, हमको भी 5% दे दो, सब पहले जो बंटवारा पूंजी के पहले ही सब निकाल रहा है, इतना रुपया निकाल लिया। देखो फिर से समझ लो कि
डी को व्यापार का प्रबंधक बनाया तथा सहमति हुई कि पहले डी को लाभ का 10% दिया जाएगा, तब बी और सी को प्रत्येक को कुल लाभ का 5% दिया जाएगा। उसके बाद जो शेष जो लाभ बचेगा वो कितना बचेगा उसको बांट देना पूंजी के अनुसार। तो तुम सोचो कि टोटल लाभ तो इतना था, शेष लाभ कितना बचेगा कोई बताएगा? तो 12,600 में इतना सब हम घटा देंगे जोड़ जाड़ के, कितना 1260 प्लस 630 प्लस में 603, इतना तो पहले ही निकाल लिया पूंजी के पहले ही। तो 1260 ये भी 1260, 2520, 2520 जब इसमें घटाओगे ना तो कितना हो जाएगा बताओ? 10,080 होगा, घटा के देखना। तो 2520 इसमें घटा देना तो कितना हो जाएगा? 10,080 इतना रुपया हो जाएगा। अब देखो बाकी जो शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटा तो शेष लाभ कितने बचेगा? तो देखो 10,800 रुपया अब बटा पूंजी का सब 2 1 3 है कितना 4। अगर आप ए निकालना चाहते हो ना तो कितना से गुना करना पड़ेगा? 2 से। तो बताओ 4 2 8 होगा, 7 4 28 00, यानी 5,400 रुपया लाभ किसको मिलेगा? ए को स्पेशलिस्ट। बी को कितना मिलेगा तो समझ ही रहे हो, तो तुलना तो उतना ही से होना है, 2700 अगुना में बी निकालना तो कितना से गुना? 1 से। तो 2700 रुपये तो ए मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन बी को 630 रुपये पहले 5% वाला ही मिलेगा। तो आप यहाँ पर 630 इसको जोड़ भी सकते हो तो आपका कितना हो जाएगा? 0 3 33, यानी 3330 रुपया टोटल किसको मिलेगा? बी को। सी कितना होगा? चूंकि आप इतना का तुलना 4 से करो, 2700 बार में कट जाएगा, इसको भी 1 से गुना करेंगे तो 2700। सी को भी 630 रुपया 5% वाला अलग से लाभ मिला था तो 3330 रुपया इसको और मिला। और डी बेचारा को क्या मिलेगा बताओ? जो उसको स्टार्टिंग में 10% तय किया गया, चूंकि पूंजी तो लगाया नहीं था, तो 1260 रुपया, यानी कि ए को 5400 रुपया मिला, बी को 2700 रुपया जो मिला था वो पूंजी के अनुसार मिला, और 630 रुपया वो कंडीशन वाला मिला जो 5%, 3360 हो गया, 3330 हो गया, ए भी आपका 3300 है। इसका देखभाल करने के लिए कितना मिलेगा इसको? 1260 रुपये। तो आपको जो क्वेश्चन जो आप लोग इतना 2 3 क्वेश्चन जो मैंने बताया थोड़ा सा हैवी था, थोड़ा सा ध्यान देना बारीकी से, और आप लोग कोई भी बुक बनाओ इस पर पैटर्न से ज्यादा आप लोग का नहीं रहेगा। और आप लोग को बंधु आप लोग का साझेदारी जो है मेरे अनुसार खत्म होगी आप लोग को। तो प्यारे बंधु आप लोग बढ़िया से पढ़े, ठीक है, धन्यवाद।